इसका निजाम इबादत भी है, इसका निजाम मुआमलात भी है, यह जिंदगी के सारे पहलुओं को मुहित है। इसलिए मैं आप हम सब जो कभी रकू में जाकर सुबहान रब्बी अल आजम अजीम का नारा लगाते हैं और कभी सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बी अल आला का नारा लगाते हैं, हमें बाहर निकलकर अपने गरीबानों में झांक कर अपनी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए कि क्या हम जिंदगी के बाकी पहलुओं में और जिंदगी की बाकी जहतों में भी उसी खुदा का हुक्म मानते हैं या किसी और का हुक्म मानते हैं। अगर इसमें और उसमें मुताबकत है तो मेरे दोस्तों जन्नत मुंतजिर है, खुदा की रहमतें मुंतजिर हैं, अजमतें मुंतजिर हैं, अल्लाह का फजल और करम आपको अपने सीने से लगाए हुए है। लेकिन अगर हमारे कौल और फेल में मुताबकत नहीं है तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुताबकत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह।